ऑफलाइन क्लासेस के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ऑनलाइन क्लासेस हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता टीचर से। ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता था। ऑफलाइन क्लासेस अच्छी है, पहले भी बहुत बार ऑनलाइन क्लास हो चुकी तो आदत पड़ गई थी। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और जिस हॉस्टल में आप रहते हैं और कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी मदद करे ताकि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए? मतलब कोटा की कचोरी जैसा कहीं और तो फ्रेंड्स, कोटा में ऑफलाइन क्लासेज हो चुकी क्लोज और जो स्टूडेंट्स हैं चाहे वो IIT के हो चाहे नीट के हो, उन्हें अब ऑनलाइन तरीके से ही स्टडी करनी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस से वो किस प्रकार से डिफरेंस है और कोटा में ही ये रुकेंगे या फिर चले जाएंगे अपने घर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं अब किस प्रकार से आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? इन्जॉय लाइक ऑफलाइन क्लासेस के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो ऑनलाइन क्लासेस हमारा इंटरेक्शन उतना नहीं हो पाता टीचर से, सो वो डिफरेंसेस मतलब हमें कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं स्टडीज़ में। तो दो दिन का आपका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन क्लासेस में कैसा रहा है? उतना अच्छा नहीं रहा है अभी, मतलब जैसे इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन क्लासेस अगर हम देखें, बट ठीक है अगर लाइव लेक्चर्स अभी टीचर्स ले रहे हैं तो धीरे धीरे डाउट्स भी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारे डाउट्स भी उन्हें रिजॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो कोटा में ही रहेंगे आप कब तक और या फिर जाना चाहेंगे अपने होम टाउन यदि कंटिन्यू रहता है तो ये प्रोसेस? नहीं अभी तो ऐसा लाइक कोटा में ही रह के, यहाँ हॉस्टल में रह के प्लान वो है कि पढ़ाई हम कंटिन्यू करें आगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेड्यूल उस प्रॉपर तरीके से बना रहता है इधर हॉस्टल में। दो दिन का जो एक्सपीरियंस रहा है आपका ऑनलाइन क्लासेस का किस प्रकार से रहा है? सर दो दिन में तो ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, पर ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छा होता था, उसमें हम टीचर्स से मतलब टीचर्स के साथ ज़्यादा मतलब इंटरैक्टिव होते थे और तो सर डाउट भी ज़्यादा आते ऑनलाइन में और क्लियर नहीं कर पाते तो वो डाउट्स बढ़ता ही जाता है, सॉल्व नहीं हो पाते। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उनसे आप किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपकी हेल्प करें? सर मैं तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि बस रिकॉर्डेड क्लास नहीं होना चाहिए, या तो लाइव होना चाहिए या फिर और मतलब लाइव डाउट क्लास होना चाहिए, सारे जो भी ऑनलाइन होंगे सारे लाइव होना चाहिए मेरे। यदि कोविड की ये जो थर्ड वेव आ रही है ये लगातार थोड़ा लंबे लॉन्ग टाइम तक यदि कंटिन्यू रहती है तो क्या डिसीजन लेंगे आप, कोटा में रुकेंगे या फिर होम टाउन जाना चाहिए? सर होम टाउन जाएंगे तो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा, मतलब वहाँ पे अलग ही एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि कम से कम हॉस्टल में रहेंगे तो सारे बच्चे नीट देने वाले होते और मतलब एक दूसरे से कम हेल्प तो मिल जाती है। आपका दो दिन का ऑनलाइन स्टडी में किस प्रकार का अनुभव रहा? ऑनलाइन स्टडीज़ में ऐसे तो कोई ज़्यादा नहीं, हमने दो दिन ही की क्लासेस, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन में जिस तरीके से टीचर से इंटरेक्शन हो पाता था, अच्छे से हम मतलब डाउट सॉल्व कर पाते थे, उस हिसाब से तो नहीं हो पा रहा है। तो ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन ही बेस्ट लगती है? हाँ ऑफलाइन क्लासेस अच्छी है, वही तो? मतलब हम टीचर से खुल के डाउट पूछ सकते हैं, अभी तो जैसे टीचर को हम कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स का भी मैसेज साथ में आता है तो कभी कभी टीचर भी ऐसा देख नहीं पाते या फिर मतलब वो नहीं हो पाता सही से जितना हम ऑफलाइन में कर पाते हैं। तो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं और जिस हॉस्टल में आप रहते हैं और कोटा के एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी मदद करे ताकि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाए? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू हो। आप क्या कहना चाहेंगे अपने दो दिन के अनुभव के बारे में ऑनलाइन क्लासेस के? ऑनलाइन क्लास तो अभी ठीक चल रहा है, मतलब पहले भी बहुत बार ऑनलाइन क्लास हो चुकी तो आदत पड़ गई थी, पर ऑफलाइन क्लास में मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और टीचर से बीच क्लास में डाउट भी पूछ सकते हैं तो ज़्यादा समझ में आते हैं अच्छे से। तो कब तक रुकेंगे आप कोटा शहर में? अब जब तक हम तो यहीं पर रुकना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना है और यहाँ पर मतलब सेल्फ स्टडी अच्छे से हो पाती है हॉस्टल में। तो क्या टारगेट है आपका कि कोटा में रहकर आप नीट है या फिर IIT? हाँ नीट क्लियर करना। तो कौन सी रैंक हासिल करना चाहते हैं मेहनत करके आप? मतलब बस मेरा अच्छे से गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। कोई टारगेट हो कि इस गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है? 600 प्लस, महाराष्ट्र में है ना मुंबई कॉलेज। कोटा के माहौल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोटा का माहौल बहुत ही मतलब सही है, पढ़ाई का माहौल मतलब जैसे हम कोई डाउट भी आया तो हम किसी फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि टीचर से नहीं पूछ पाए तो कहीं से भी हम मतलब जो भी है हम एटलीस्ट पढ़ाई तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोटा में कौन सी चीज़ आपको बेस्ट लगती है फूड के रूप में? फूड में yes. सर फूड में तो सर मुझे फूड में मतलब मैं तो साउथ इंडिया से हूँ तो मुझे ज़्यादा फूड की ही मुझे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगा था सर, मैं 8th से यहीं हूँ फिर भी
मतलब फूड एडजस्ट करने में मुझे। कोटा की कचौरी का अभी स्वाद लिया? हाँ सर। हर वो कैसा रहा? अच्छा है, मतलब कोटा की कचौरी जैसा कहीं और मतलब साउथ इंडिया में वगैरह नहीं मिलती, पर अच्छा है खाना। कोटा के पानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी एडजस्ट कर रहे हैं, अभी मुझे 4 महीने ही हुए आए हुए, तो अभी पानी ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट कर पा रहे हैं उसमें। तो आप यहीं रहेंगे अब कोटा में सभी, है ना? हाँ।